फ्रेंड मैथ्यू मिसरी पश्चिम रेस्टोर पॉइंट से आपका स्वागत फ्रेंड। फ्रेंड 2020 अब लगभग जाने को है, करीब 10 दिन का समय बचा इसको जाने में। और आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। ये वीडियो है डिप्रेशन के ऊपर, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन की तरफ धकेलते हैं, डिप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। और आज मैं जो आपसे बात करूंगा बिल्कुल लेमैन की भाषा में आपसे बात करूंगा, कोई टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगा, ऐसी भाषा में बात करूंगा जो हम सबको समझ में आ जाए। आम आदमी भी अपने आप से अगर खुद अपना हॉरोस्कोप देखे तो अपने आप को रिलेट कर सकता है, बिना हॉरोस्कोप देखे भी अपनी प्रॉब्लम के साथ अपने आप को रिलेट कर सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में बात करूंगा, मेडिकल टर्म्स के साथ जोड़ते हुए इस चीज़ को हम जोड़ कर चलते हैं, बिकॉज मेडिकल और एस्ट्रोलॉजी पैरेलली ट्रैवल करते हैं, अगर साथ साथ उनको जोड़ा जाए तो रिजल्ट बड़े अमेजिंग से आते हैं। 2020 में हम सब ने देखा फ्रेंड्स, कोरोना के चक्कर में कईयों की जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गई, शॉप्स बंद हो गई, कईयों पे कर्जे भी चढ़ गए। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी जो थे, पूरी ह्यूमैनिटी थी, पूरी दुनिया के जो लोग थे, डिप्रेशन की तरफ आ गए, जिनके जॉब लॉस हुए, जिनके साथ जो भी रीज़न रहे हो, वो डिप्रेशन के कई रीज़न हो सकते हैं फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम 2020 जो कोरोना था, किसी की शादी डिले हो तो डिप्रेशन में है, किसी की कंसीविंग में दिक्कत हो डिप्रेशन में, कर्जे चढ़ जाए सर पे, बीमारी आ जाए, जॉब चली जाए, बिजनेस ख़त्म हो जाए, तो डिप्रेशन के कई रीज़न हो सकते हैं फ्रेंड। और एस्ट्रोलॉजिकली रीजंस क्या होते हैं, देखिए पहले तो एक बात आप मान के चलिए, कोई भी जब इंसान जब जिसका बर्थ होगा, जन्म लेता है, वो पैदा होते डिप्रेशन में नहीं होता। कुछ फैक्टर्स ऐसे काम करते हैं, अचानक ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो डिप्रेशन की तरफ धकेलते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में जो चीज़ें अचानक होती हैं, सडननेस के साथ होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे हो जाती है, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है राहु की इन्वॉल्वमेंट होती है, बिकॉज राहु जो होगा ना फ्रेंड वो सडननेस लेकर आता है, अचानक लेकर आता है। तो एक चीज़ तो मान के चलते हैं, हम तय मान के चलते हैं कि जब जब राहु की इन्वॉल्वमेंट होगी तब तक डिप्रेशन होगा ही होगा। अब मैं आता हूँ पूरे इसकी डिटेलिंग पे। देखिए डिप्रेशन क्या होता है कि जब आपका माइंड मेंटालिटी जो आपकी है, जो आपके थॉट्स है, वो नेगेटिव थॉट्स हो जाए, आप मान के चलते हैं अंधकार में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, सोसाइटी से आपको दिक्कत हो, सोशलाइजिंग से आपको दिक्कत होगी, तो आप डिप्रेशन का एक साइन होगा कि हाँ आप लोगों से मिलने जुलने में घबराते हैं, कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाएगा, आपकी ईगो कम चली जाएगी, आपकी ईगो नीचे करना स्टार्ट हो जाएगी, आपका हंसना बंद हो जाएगा, आपको नींद ज़्यादा आएगी, ये सब डिप्रेशन की ही निशानी है, तबीयत आपकी ख़राब हो जाएगी। और कितनी बार लोग डिप्रेशन में आके बहुत कड़े से कड़ा कदम उठा लेते हैं, सुसाइडल कदम उठा लेते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी मन में आते हैं। और ये जो डिप्रेशन के लिए जो हम एस्ट्रोलॉजी में अगर बात करें तो माइंड को जो रिप्रेजेंट करता है वो है मून। इकलौता मून डिप्रेशन के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है एस्ट्रोलॉजी में। जिनकी कुंडलियों के अंदर भी मून यानी कि चंद्रमा अगर वीक होगा, राहु के साथ होगा, शनि के साथ होगा, नीच का होगा, सिक्स्थ हाउस में होगा, क्रूअल एस्पेक्ट के साथ होगा, तो मान कर चल सकते हैं कि एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम लाइफ के अंदर अगर दशा भी सपोर्टिव नहीं होगी तो डिप्रेशन होगा ही होगा। तो मून जिसका वीक होगा, ये थंबनेल रूल है कि मून खराब होगा तो डिप्रेशन होगा। मून आपका माइंड हुआ, आपके थॉट्स, आपकी नेगेटिविटी, ब्रेन यानी कि आपकी मर्क्यूरी जो कि ब्रेन को डिनोट करती है, आपके थिंकिंग को डिनोट करती है, आपकी पॉजिटिविटी को डिनोट करती है, मर्क्यूरी का भी खराब होना जरूरी है। अगर आपका ब्रेन भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, तो भी आप डिप्रेशन की तरफ ही धकेलते हैं फ्रेंड। तो पहला फैक्टर मून, दूसरा फैक्टर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का भी खराब होना ज़रूरी है जो कम्युनिकेशन के लिए भी होता है। मर्क्यूरी खराब होगा तो डिप्रेशन में आप उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आपको खुद को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं बातें। इसके बाद हम देखेंगे सन, जिसको हम डॉक्टर कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, लाइट कहा जाता है, सोलर सिस्टम में सबसे मजबूत जो प्लेनेट है वो है सन। सन का खराब होना, सन का शनि के साथ जाना, सन का अंधकार में होना भी डिप्रेशन की तरफ ही धकेलता है, आपके ब्रेन को कमज़ोर करके चलता है। यानी कि मून, मर्क्यूरी और सन का वीक होना डिप्रेशन के लिए एक निशानी लेकर जाता है। अब कौन से फैक्टर्स इन पर एस्पेक्ट डाले, इन पर अपना इफेक्ट डाले तो चीज़ें खराब होती हैं। शनि स्लो प्लेनेट है, क्रॉनिक प्लेनेट है, अंधकार कहा जाता है। अगर शनि का एस्पेक्ट मून पे होगा या मर्क्यूरी पे होगा या चंद्रमा पे होगा तो मान के चलिए डिप्रेशन आपको होगा ही होगा, मन में एक फोबिया होगा, चंद्रमा फोबिया लेकर आता है, आप डिप्रेशन में जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे आप डिप्रेशन में। राहु इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो राहु को हम लोग कहते हैं जहर, पॉइजनस, तो जब राहु मन में आ जाएगा तो डर जो है वो फोबिया जो है वो साइकेट्रिस्ट में बदल जाएगा, आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको डर लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी रात को। मून जब कभी भी राहु और शनि के साथ पैरेलली अफेक्टेड होगा तो दोस्तों मान के चलिए कि आपको डिप्रेशन होगा ही होगा, कितना लंबा होगा वो शनि के ऊपर डिपेंड करता है, शनि के डिग्री पर डिपेंड करता है। एक और बात फ्रेंड, अगर तो ट्वेल्थ हाउस भी इन्वॉल्व है, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड भी अफेक्टेड है, तो विश्वास करके चलिए इस डिप्रेशन की वजह से आपको रात को नींद भी नहीं आएगी और इसके लिए आपको नींद की गोली खानी पड़ेगी, जो पूरी हैबिट में चेंज हो जाएगी, पूरा लाइफ आपकी नींद की गोली चलती रहेगी। ट्वेल्थ हाउस इन्वॉल्वमेंट नींद को कम करके चलती है। और एक बात,
शनि का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, मून बहुत ज़्यादा वीक होगा, मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा वीक होगा, तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, आपको इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, लंबी काउंसलिंग भी चलेगी आपकी। एट्थ हाउस अगर इन्वॉल्व होगा, एट्थ हाउस नेगेटिव होकर इन्वॉल्व होगा, एट्थ हाउस एज का होता है अगर, तो एट्थ हाउस इन्वॉल्व होगा, तो ऐसे में वो जिनकी नेगेटिव दशा भी काफ़ी नेगेटिव है, ट्रांजिट भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, तो उनका जो सबसे घातक जो परिणाम निकलता है वो सुसाइडल निकलता है, सुसाइड कर लेते हैं ऐसे लोग। कई आप लोगों ने देखा भी होगा फ्रेंड, डिप्रेशन में जाके लोग क्या क्या कदम उठा लेते हैं। एट्थ हाउस मजबूत होगा, फर्स्ट हाउस मजबूत होगा, अगर आप सुसाइड की तरफ जाएंगे भी तो आप बच जाएंगे, आप सपोज़ आप इनकी गोलियाँ भी खाते हैं आप सर्वाइव करके आ जाएंगे। तो वो सभी लोग जिनकी कुंडली के अंदर दशा भी नेगेटिव है, मून भी अफेक्टेड है, और भगवान ना करे अगर मून के साथ शनि की दशा भी चल रही है, राहु की दशा भी चल रही है, तो आप तैयार हो जाइए, आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको साइकेट्रिस्ट पर जाना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। काउंसलिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माइए मत, जाइए, वरना अगर अभी आपने कोई कदम नहीं उठाया तो ये आपको बहुत लंबा इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको, मून लेडीज़ के लिए उनके पीरियड्स को डिनोट करके चलता है, बिकॉज 28 दिन का सर्कल है मून का, 28 दिन का लेडीज़ का होता है, तो जब जिन लेडीज़ का मून वीक होगा तो उनको मूड स्विंग्स से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, उनका जो हार्मोनल इश्यूज़ के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और कई बार हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी, मूड स्विंग्स की वजह से भी लेडीज़ को डिप्रेशन में टेम्प्रेरी काइंड ऑफ डिप्रेशन आ जाता है, माइनर डिप्रेशन। तो वो लेडीज़ भी अगर ऐसा कुछ है तो शिव जी की पूजा करें, बाकी सभी लोग भी मून को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करें, बुध को मजबूत करने के लिए आप माँ दुर्गा की पूजा करें, शनि और राहु का दान करें उनको वीक करने के लिए, और कहीं ना कहीं मोती जो कि मून के लिए होगा, पन्ना जो कि आपके मर्कुरी के लिए होगा, उसको पहनिए, माँ दुर्गा की पूजा करिए, और कहीं ना कहीं सैटरडेज को कुछ फ्राइड आइटम या ब्लैक चीज़ आप डोनेट करें, फ्राइड फूड डोनेट करें, उससे भी आपको डिप्रेशन में आपको बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। सिल्वर के गिलास में आप पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर पर आप पानी पीजिए, वाइट चीज़ों का दान करें, और साथ ही साथ में मेडिकल जो भी आपका ट्रीटमेंट है उसको आप लेते रहें, उससे पीछे ना हटें, डिप्रेशन से आपको बाहर आने में ज़रूर आपको सहायता मिलेगी। फ्रेंड आज इतना ही, अगर आपके लिए क्वेश्चन है मुझे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर डालिए, मुझसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, फेसबुक पे कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है फ्रेंड। और आखिर में अगर आपको अपनी ईयरली रिपोर्ट चाहिए, आपका एनुअल रिपोर्ट चाहिए 2021 की मेल रिपोर्ट, तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। आज के लिए इतने फ्रेंड्स, अगली बार किसी और टॉपिक पर।